ऑल राइट सो यार, इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट WBJEE 2023। ठीक है, WBJEE 2023 का हमारे पास में जो एग्जाम है वो सामने है। ठीक है, WBJEE वेस्ट बंगाल JEE 2023। इसके बारे में यार बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है एग्जाम के बारे में कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है हमारे पास में, ये सारी चीजें बच्चों को पता ही नहीं होती, तो मैं इस वीडियो के अंदर में आपको जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि WBJEE 2023 में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑफ हो चुका है। तो अगर किसी बच्चे ने रजिस्टर अभी तक किया ही नहीं है तो आप टेंशन लेके फायदा नहीं है, रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। राइट, सो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है ना, रजिस्ट्रेशन जो आपका है वो क्लोज हो चुका है। तो कोई भी बच्चा जो रजिस्टर ही नहीं किया है वो इस वीडियो को देखेगा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जिसने रजिस्टर किया है वही आगे देखो, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। अब बात करते हैं एग्जाम वालों से क्या है, वेस्ट बंगाल के जो भी कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, और चीजों के लिए, तो उसके लिए हमारे पास में WBJEE 2023 का एग्जाम आप सब दोगे। इसके अंदर में आपको क्या क्या चीजें जाननी है, इसके अंदर में आपको सबसे पहले तो जानना है एग्जाम का डेट। ठीक है, एग्जाम का हमारे पास में डेट क्या है WBJEE 2023 का, ये सारी चीजें जाननी इसलिए जरूरी है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सको। तो एग्जाम का डेट हमारे पास में है 30 अप्रैल। अब ये चेंज भी हो सकता है ना, ये चेंज भी हो सकता है, टेंटेटिव है, अगर हो गया इस दिन पे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा चेंज भी हो सकता है। एज ऑफ नाउ 30 अप्रैल आपका एडमिट कार्ड जो है ना वो 20 अप्रैल के आसपास आपका आने का है। ठीक है, ये एग्जाम का जो सेंटर है ना वो आपका बंगाल में ही होता है। ठीक है, आप अगर महाराष्ट्र में बैठे हो, कहीं और बैठे हो, आप नहीं दे सकते एग्जाम, आपको यहाँ आके ही देना पड़ेगा, सेंटर आपका यहीं पे आएगा। अगर आप यहाँ आके दे सको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। राइट, तो वेस्ट बंगाल JEE के अंदर में ना एग्जाम डेट तो आपका ये हो गया। अब एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस तो एडमिशन के लिए आपकी जो है काउंसलिंग होती है। इसके लिए अभी आप टेंशन मत लो, आपका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद में काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग के अंदर में आपको अपने कॉलेज और ब्रांच के प्रेफरेंसेस डालने पड़ते हैं। एक ही कॉलेज है, बाप कॉलेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और चीजों की हम बात ही नहीं करते, ये एक ही कॉलेज है जिसमें सारे स्टूडेंट्स को जाना होता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी। हाँ, इसमें अगर नहीं मिले तब फिर बाकी IIM टेक्नो और बहुत सारी चीजें हेरिटेज वगैरह, फिर वो बाकी ऑप्शंस में देखते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, बट जादवपुर यूनिवर्सिटी सबका सपना होता है। मिलता कैसे है, काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। WBJEE का एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा आपका, उसके बाद में फिर काउंसलिंग के अंदर में आपको डालना पड़ेगा अपना प्रेफरेंसेस कि आपको कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच चाहिए, ऐसे आप पूरा लिस्ट बना के डालोगे। ठीक है, तो उन सारी चीजों में आगे आपको हेल्प मिल जाएगा WBJEE के अंदर में। हमारा जो चैनल है नंबर वन चैनल है WBJEE के अंदर में, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर बंगाल। ठीक है, सो उसके लिए तो थैंक यू सो मच, WBJEE वाले बच्चे बहुत ज्यादा मानते हैं। मैं भी कोलकाता से अभी वीडियो बना रहा हूँ, आमी बांग्ला खूब भालो करे जानी। ठीक है, और WBJEE में मेरी रैंक आई थी 849, मेरी AIR खुद की आई थी 849। ठीक है ना, WBJEE के अंदर में। राइट, मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हूँ, पढ़ सकता था बट मैं NIT त्रिची से पढ़ा हूँ। ठीक है, सो WBJEE का एग्जाम यार आप हमारे चैनल के साथ में कनेक्टेड रह सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स WBJEE में बहुत काम आते हैं, बच्चे हर साल हमारे चैनल को देखते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखते हैं और फिर WBJEE में अच्छा कर लेते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत सारे आपके सीनियर्स हैं जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी बैठे हुए हमारे चैनल को फॉलो करके। राइट, सो ये तो हुआ हमारा। उसके बाद में फिर क्या हमारे पास में एग्जाम पैटर्न को समझ लो फटाफट से। ठीक है, एंड मोमेंट में कुछ चेंज हो गया तो पता नहीं, अभी के हिसाब से पैटर्न क्या है मैं बता देता हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ होता है 2 घंटे का। देखो क्या होता है, आपका मैथ्स का पेपर एक अलग होता है, ठीक है, 2 घंटे का 2 आवर, और ये होता है 100 मार्क्स का। राइट, और आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री अलग होता है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आपका अलग होता है 2 आवर का, ये आपका 100 मार्क्स। तो टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचना है आप 90 से 100 नंबर ले आओ, आप जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगे। ठीक है ना, आपको अगर अंडर 2000 अंडर 1000 रैंक लाना है, 90 से 100 का आपको टारगेट रखना है। थोड़ा ज्यादा टारगेट रखो, आजकल थोड़ा कम जा रहा है कट ऑफ, 80 में भी 70 में भी बहुत अच्छे अच्छे रैंक आ रहे हैं। राइट, सो ये चीज आपको करना है। अब इसके अंदर में ना 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। ठीक है ना, यहाँ पे भी सेक्शन ए बी सी
सेक्शन ए होता है सिंगल करेक्ट वन मार्कर, सेक्शन बी होता है सिंगल करेक्ट टू मार्कर, सेक्शन सी होता है आपका मल्टी करेक्ट, उसमें पार्शल वगैरह होता है, वो इंस्ट्रक्शंस लिखा रहेगा आपको। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता देता हूँ, इसमें 50 क्वेश्चंस जनरली आते हैं, इसमें आपके 15 और इसमें आपके 10, राइट। सो 50 सिंगल करेक्ट मतलब चार में से एक ऑप्शन करेक्ट वाला 50 नंबर, 15 × 2 ये दो दो नंबर के होते हैं सिंगल करेक्ट, 80 हो गया, और ये लास्ट 10 टू मार्कर होता है, ये मल्टी करेक्ट, इसके अंदर में पार्शल मार्किंग वगैरह भी रहती है, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर में और फिजिक्स के अंदर में आपका क्या रहता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं टोटल, जिसमें से 30 तो इसके रहते हैं और 5-5 ऐसे रहते हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी सेम, केमिस्ट्री में भी सेम, 40-40 क्वेश्चन, फिजिक्स में 40 इसमें 40, तो 30 तो सिंगल करेक्ट हो गए आपके 30 नंबर के, और ये 5 हो गए सिंगल करेक्ट दो दो नंबर के, मतलब 10 नंबर और हो गया, और फिर यहां से मल्टी करेक्ट का 10 नंबर और पार्शियल मार्किंग के अंदर में, तो ये आपका कुल मिला के जो है ऐसा हो जाएगा, फिजिक्स 50 नंबर का, केमिस्ट्री 50 का, और आपका मैथ 100 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी इसमें चेंजेस वगैरह होता है तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप देख के सारी चीजें करना, थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह हो सकते हैं पैटर्न के अंदर में, होते रहते हैं, राइट। ये तो हुआ, अब इसके अंदर में आपको क्या करना है, 200 में से आपको टारगेट रखना है कि आप 80 प्लस का स्कोर ले आओ, ठीक है। अब कोई कारण से हो सकता है आपका स्कोर कम आ रहा हो, आपका स्कोर मान लो 50 आ रहा हो, 60 आ रहा हो, है ना, आपको यहां से बढ़ाना है 100 नंबर तक लेके जाना है, समझ नहीं आ रहा है आपको कैसे करना है, तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लो, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। इस साल का ब्रांड न्यू 2023 का WBJEE का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स AR स्क्वाड का जो है उसमें आप एनरोल कर लो। पिछले साल का जो कोर्स था काफी सारे बच्चे एनरोल करके आज जादवपुर में बैठे हुए हैं, अब अपने सीनियर से पूछना AR स्क्वाड चैनल के बारे में। तो अभी ये इस साल का नया कोर्स है 2023 का, और भी अच्छा कोर्स है, इसमें आप लोग अभी एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। और काफी अभी डिस्काउंट भी चल रहा है कोर्स में, प्लस 2022 का कोर्स फ्री में मिल रहा है, मतलब 2023 के एनरोलमेंट पे आपको 2022 का कोर्स अभी फ्री में मिल रहा है, कुछ दिन में ये ऑफर एंड होने वाला है, ठीक है। तो आप इसका एडवांटेज उठा सकते हो, कोर्स में भी डिस्काउंट भी चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आपको ईमेल आईडी करेक्टली डालनी है, अपने व्हाट्सएप नंबर को करेक्टली फिल करना है, और उसके बाद में पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है, आपको डिजिटली जो है कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। 2023 का बहुत शानदार कोर्स हमारे पास में चल रहा है, आपके पास में लेक्चर्स की एक्सेस एग्जाम तक रहेगी, जितने मर्जी बार चाहो उतने मर्जी बार वीडियोस को देख पाओगे, और इससे अगर आपका 25-30 नंबर भी इंप्रूव होता है तो आपको रैंक में वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो आप हो सकता है 10,000 रैंक आ रही होती है आपकी, लेकिन अब आप जादवपुर यूनिवर्सिटी बैठे रहोगे 1,000 रैंक में, वो डिफरेंस आपको इस कोर्स से देखने को मिलेगा, हर साल बच्चों को देखने को मिलता है, और इस साल का कोर्स और भी शानदार अपग्रेडेड है, राइट। तो इसके अंदर में आप लोग जो है एनरोल कर सकते हो। चौथा पॉइंट हमारे पास में क्या है, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना, सिलेबस हमारा वही प्लस टू का सिलेबस रहता है, 11-12 जो हमारे पास में बेसिक CBSE और WB बोर्ड जो भी सारी चीजें रहती है, जो सारे चैप्टर्स बेसिक आपको NCERT वगैरह पे मिलते हैं, लगभग वही सारे चैप्टर्स रहते हैं। आप लोग चाहो तो वेबसाइट में जाके सिलेबस पूरा डाउनलोड भी कर सकते हो, करने का कोई उसका सेंस नहीं है, लगभग आपके 11-12 में जो है वही है सारी चीजें, ठीक है। तो सिलेबस के लिए आप ज्यादा मत करो, अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो वो करो, बस आप क्या करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो WBJEE का आप अरियंत वगैरह का PYQ का बुक मंगा लो, ठीक है, और उसके PYQs आप अगर लास्ट 7-8 साल 10 साल के कर लोगे आपका WBJEE का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको अलग से ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आप बोर्ड लेवल में थ्योरी पढ़ते हो उतनी थ्योरी लगेगी आपको, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको लगेंगे, तो उसके लिए आप WBJEE का प्रीवियस ईयर जो है 7-8 साल का आप सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चंस को कर लो, विद सॉल्यूशंस आते हैं मार्केट में, बुक्स अवेलेबल है, मैं तो अरियंत को फॉलो करता हूं, आप भी कर सकते हो, और उसके बाद में आपका जो है काम हो जाएगा, ठीक है। WBJEE में फिर मॉक टेस्ट वगैरह दे देना आप, और देख लेना आपका स्कोर कितना आ रहा है, मतलब इजी एग्जाम होता है ना, टफ एग्जाम नहीं होता, ठीक है। बट अगेन इजी होने के बावजूद भी बच्चे कम स्कोर करते हैं, बच्चे सही तरीके से पढ़ते नहीं है, राइट। अच्छा पांचवा हमारे पास में क्या है, सिलेबस हो गया हमारे पास में, पांचवा क्या हमारे पास, एलिजिबिलिटी। तो पहले तो देखो इसका एग्जाम बंगाल में होगा, ठीक है, और अगर आपको डोमिसाइल वगैरह का बेनिफिट उठाना है तो आप बंगाल के रेसिडेंट अगर आप होगे 10-12 सालों से रहते होगे बंगाल में, तो आपका डोमिसाइल रहेगा और अच्छे खासे सीट्स 90% ऑफ द सीट्स जो है रिजर्व्ड भी रहते हैं, ठीक है। तो आउटसाइडर्स के लिए कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है, आपको और अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। साथ में आप प्लस टू का एग्जाम अगर आप दिए हो, 10+2 अगर आपने कंप्लीट किया है किसी भी बोर्ड से स्टैंडर्ड, तो आप एलिजिबल हो इसके एग्जाम के लिए। और साथ में आप का जो PCM एग्रीगेट होता है वो आपका 60% से ऊपर है, तो आप सेफ हो, ठीक है। जो आपका तीन सब्जेक्ट होता है ना, फिजिक्स मैथ्स
और कोई भी एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो गया या कंप्यूटर हो गया, जो भी तीन सब्जेक्ट जो होते हैं उसकी एलिजिबिलिटी अगर आपके 60% से ज्यादा है ना पीसीएम एग्रीगेट, तो आपका काम हो जाएगा। कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 55%, 50%, 55 से ऊपर है तो आपका काम हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट आपका 60 से ऊपर है तो आप एकदम सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसके अंदर में आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज का क्या है ना, आप इसको जैसे आप आईआईटी जेई का एग्जाम है दो बार दे सकते हो, है ना। आईआईटी जेई का एग्जाम है आप दो बार दे सकते हो, आप जेई मेन का एग्जाम है कितने बार दे सकते हो, आप तीन बार दे सकते हो। ठीक है, डब्ल्यूबीजेई का भी एग्जाम आप लगभग तीन बार आराम से दे लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जैक्टली क्या है मुझे मालूम नहीं है, बट हाँ आप तीन बार आराम से दे सकते हो डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम। इसमें आपका बोर्ड वाला साल इंक्लूडेड होगा। मान लो आपने बोर्ड एग्जाम दिया है 2021 में, आपने बोर्ड्स दिया तो वो आपका पहला अटेम्प्ट हो सकता है डब्ल्यूबीजेई का। फिर मान लो 2022 में आप ड्रॉपर हो, फिर आपने डब्ल्यूबीजेई दिया। फिर 2023 में आप मान लो सेकंड ड्रॉपर हो, फिर आपने थर्ड अटेम्प्ट डब्ल्यूबीजेई का दिया। तो जैसे जेई में आप तीन बार दे सकते हो, डब्ल्यूबीजेई भी तीन बार तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप दे सकते हो तीन बार डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम। क्या आपको ये चीज क्लियर है? और उससे ज्यादा बच्चे देते भी नहीं है यार, इतने में होगा तो होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। मोस्टली दो बार में आपका पता लग जाता है, डब्ल्यूबीजे अगर आपका होना होगा ना दो बार में हो जाएगा, तो इसमें और एज की कोई ऐसी बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना, बोर्ड आपने जिस साल दिया है उस साल आपका पहला अटेम्प्ट, उसके अगला साल सेकंड अटेम्प्ट, फिर थर्ड अटेम्प्ट, उस तरीके से काउंट होगा। ऐसे अगर आप सोचो कि बहुत एज हो गया है, बोर्ड्स आपने दिया 5-6 साल पहले, अब आके दोगे तो आपको शायद अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक सारी चीजें थी जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। माइंडसेट आप लोग मेकअप कर लो और ट्रिक्स कोर्स में आप लोग एनरोल कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने सीनियर से पूछो, जादवपुर यूनिवर्सिटी जाओ, अपने सीनियर से पूछो AR स्क्वाड चैनल के बारे में, वो आपको बताएंगे किस तरीके से जो है कोर्स उनको हेल्प किया था। और इस साल का कोर्स तो और भी बम्पर है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपने नंबर को बूस्ट करने में। प्लस जो कट ऑफ है डब्ल्यूबीजेई का, वो पिछले कुछ सालों से काफी कम हो रहा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत कम मार्क्स पे मिल जा रहा है, तो काफी एडवांटेज है यार। ठीक है, मतलब 40-50 नंबर तो आप सिर्फ ट्रिक से ले आ सकते हो। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग आप कर लोगे सिर्फ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के इस कोर्स से। काफी सारे बच्चे आपके जो है कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो मुझे जानते हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।